नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक के बेटे अली अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड पर कई बड़े खुलासे किए। अली ने अपना बयान सेंट्रल जेल में दर्ज कराया है। अली ने एनकाउंटर में मारे गए अपने भाई असद को लेकर कई बातें पुलिस को बताई। बयान में अली ने कहा उसने मना किया था पर अब्बा नहीं माने। वो बोले कि अतीक के बेटे शेर हैं, दिन दहाड़े मारेंगे। अली के इस बयान से माना जा रहा है उमेश पाल हत्याकांड में कई राजों से पर्दा उठेगा। अली ने बताया कि भाई असद को पिता अतीक ने खुद उमेश पाल पर हमले के लिए शामिल होने को कहा था और उसने असद को शामिल होने के लिए मना किया था, लेकिन अब्बा की वजह से असद पिस्टल लेकर कूद पड़ा। यही नहीं, बयान में कहा गया कि दो बार पहले भी उमेश को मरवाने की कोशिश की गई लेकिन तब शूटर नाकाम रहे। बता दें उमेश की हत्या से पहले शूटर सदाकत गुलाम गुड्डू मुस्लिम दो बार अली से मिलने जेल पहुंचे थे। शूटरों ने एक बार उमेश पाल को धोबी घाट चौराहे पर और दूसरी बार कचहरी रोड पर 84 खंबा के पास घेर कर कत्ल करने की प्लानिंग की थी, लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई और अली ने बयान में स्वीकार किया कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में पूरा परिवार शामिल था। अतीक ने कहा था कि उसके कहने पर दूसरों के बच्चे जा रहे हैं तो उसका बेटा भी इस हत्याकांड में ज़रूर शामिल होगा। इस दौरान फेसटाइम आईडी पर हुई बातचीत में माफिया ने कहा था सब ये भी जाने कि अब उसके अलावा 5-5 अतीक हैं, यानी उसके 5 बेटे खुद अतीक हैं। बता दें जेल के अंदर विवेचक ने 2 घंटे से ज़्यादा अली से पूछताछ की और उसका दर्ज किया गया बयान। बता दें अली को इस हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया गया है और अब जल्द ही लखनऊ जेल में बंद अतीक के बेटे उमर का भी बयान दर्ज होगा। बता दें उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी 2023 को हुआ था। इस हत्याकांड को 1 साल बीत चुका मगर 5 लाख के नामी शूटर गुड्डू मुस्लिम अरमान साबिर का सुराग नहीं है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब पुलिस एसटीएफ की पकड़ से अभी भी दूर है। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने 8 राज्यों दिल्ली महाराष्ट्र झारखंड बिहार पश्चिम बंगाल हरियाणा पंजाब और उड़ीसा में कई बार दबिश दी लेकिन वो नहीं मिले। 8 राज्यों में शूटर्स की फोटो डिटेल रंग कद पहनावा और आपराधिक रिकॉर्ड भी भेजा गया है।